नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश नेजा। आज हम फिर से आप पहुंचे हैं यशपाल तोमर जी के साथ, इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए। बिंदापुर वार्ड की समस्या को लेकर, कितनी समस्या ठीक हुई, क्या कुछ बिंदापुर वार्ड में क्षेत्र में काम हुआ है, विकास कार्य हुए हैं निगम पार्षद और विधायक द्वारा। आपको जैसा पता होगा, आखिरी बार हमने जिनसे मुलाकात की थी तब इनसे हमने पानी के विषय की बात की थी, जो कई सालों से चलती हुई आ रही थी। वो समस्या कितनी हल हुई है वो इनसे हम जानते हैं। यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यशपाल जी, जैसा कि आपको पता है कि आखिरी मुलाकात में हमने पानी का विषय किया था, काफ़ी गंभीर समस्या थी और काफ़ी सालों से चलती हुई आई थी, तो क्या उसके बाद से कुछ अभी समस्या का हल निकला पानी की? जितेश जी, एक बार फिर आप और आपकी टीम का धन्यवाद। आप से लगभग 2 माह पूर्व आए थे जी पानी की समस्या को लेकर के। आपके यहाँ आने के बाद जब आपका इंटरव्यू जब टेलीकास्ट हुआ जी, तो टेलीकास्ट उपरांत होने के बाद में जल बोर्ड हरकत में आया और विधायक जी की टीम भी हरकत में आई जी। उसमें ऐसा हुआ कि प्रताप गार्डन का एक छोटा सा जो थान सिंह रोड है, उस पर पानी की समस्या को दूर करने की कोशिश की। थोड़े से भूभाग में पानी की समस्या दूर हो गई है जी, लेकिन अभी समस्या का विकराल रूप जो जस का तस है। तो यशपाल जी, अभी कितनी ऐसी कितनी समस्या अभी ये है जहाँ अभी पूरे बिंदापुर वार्ड में पानी नहीं आ रहा? हाँ, उसका बहुत अच्छा सवाल किया आपने जितेश जी। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो 2-3 कॉलोनियाँ हैं, इस विधानसभा का बिल्कुल लास्ट छोर पड़ जाता है जी। 10 कदम आगे चलोगे तो जनकपुरी विधानसभा शुरू हो जाती है और इसके एक कॉलोनी के बाद ये उत्तम नगर विधानसभा का समाप्त हो जाता है। जो पानी की जो लाइन है वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबी हो जाती है। सबसे पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ पर उतना नहीं पहुँच पाता। तो मैं तो जल बोर्ड के अधिकारियों से, माननीय विधायक जी से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ के पानी की समस्या का निदान तभी हो सकता है जब यहाँ पर UGR के बारे में सोचा जाए और UGR पे एकदम से साहसिक कदम उठाते हुए समस्या का निदान होगा। उससे पहले समस्या का निदान नहीं होगा। तो क्या आपने इसके लिए जल बोर्ड अधिकारियों से, विधायक से, पार्षद से बात की UGR को लेकर? हाँ, बहुत सही सवाल आपने पूछा जितेश जी। मैं पिछले 20 साल से जो जल बोर्ड की कार्यशैली को देख रहा था और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि उनकी जो कार्यशैली को देख रहा था, पिछले 2-3 साल में जो जल बोर्ड के अधिकारियों की कार्यशैली है और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक उनकी जो कार्यशैली है वो थोड़ा सा एक दूसरे के समवर्ती है। कोशिश हो रही है लेकिन कोशिश थोड़ा सा उस स्तर पर नहीं हो पा रही जिस स्तर पर होनी चाहिए जी। यशपाल जी, मैं सवाल आपसे और करूंगा। हमने आपके बिंदापुर वार्ड का सर्वे किया था कुछ दिन पहले जी। बिंदापुर वार्ड के जो कॉलोनीवासी हैं जी, उनका कहना ये है कि इस क्षेत्र में विकास कैसे होगा, चूंकि इस क्षेत्र में हर घर के अंदर नेता है जी। जी 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 जी, ऐसा जितेश जी, नेता का बनना और नेताओं के गुण होना कोई बुरी बात नहीं है जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश के हर कोने कोने में, हर घर में एक नेता पैदा हो जी। जैसे हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जैसे हमारे वैज्ञानिक अब्दुल कलाम साहब हैं, ऐसे नेता पैदा हों, हर घर में पैदा हों, हर माँ ऐसे बच्चों को पैदा करे। नहीं नहीं सर, नेता तो हैं जी, पर विकास कार्य कहाँ हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे नेताओं की कमी है। जिस विषय पर आप आना चाह रहे हैं, ऐसे नेताओं की बहुत कमी है। आज की तारीख में चाटुकारिता, धनबल, बाहुबल हावी है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो पार्टियां हैं, जब अपने टिकटार्थियों को जो टिकट का आवंटन करती है ना, तो सिर्फ ये सोचती है कि अंक गणित किस आदमी के द्वारा हमारा अच्छा आ जाएगा, समाज के लिए कौन अच्छा काम करेगा, उस तरफ ये ध्यान कम दे पा रहे हैं जी। आप एक समाज सेवी है, मैं आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल करता हूँ। 5 महीने से हमारा देश कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है जी, 5 महीने के अंदर कितने नेता आपके इस कॉलोनी में आए, लोगों की मदद की? ये एक ऐसा सवाल है, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि यहाँ के नेताओं के जो कारनामे में रहे हैं उनको देख के हंसी हो रही है। दुख इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे जो आम जनमानस है, जो गरीब है, वो हकीकत में त्रस्त है। सरकारों के द्वारा जो राशन की दुकानों पे राशन आवंटन करने के लिए सरकारों ने जो दिया था, उस पर बहुत बड़ा ब्लैकमेल हुआ, बहुत बड़ी धांधली हुई है। ये महामारी यहाँ के नेताओं के लिए एक मलाई इकट्ठा करने का जरिया बना है। इस महामारी में ना कि उन मजदूर बेबस लोगों तक उस राशन का आवंटन वहाँ तक पहुँचा दिया जाए, नहीं, इन नेताओं के लिए वो फसल आई है कुदरत के द्वारा, मैं ऐसा मानता हूँ। आपने राशन की बात छेड़ी है, मैं आपसे राशन से जुड़ा हुआ एक सवाल करूंगा। अभी हाल ही में आपके बिंदापुर वार्ड के एक काफी बुजुर्ग बंदा राशन के लिए इधर उधर लाइनों में खड़ा है, उसे राशन नहीं मिल रहा जी, कौन उसकी मदद करे? सब नेताओं ने हाथ खड़ा कर लिया, काफी नेताओं ने नाम भी लिया इस चीज को लेकर, उन्होंने उस नेताओं से मदद की बात भी कही पर कहीं से मदद नहीं मिली। जितेश जी, आपने जो सवाल जो अभी रखा है, इसका सवाल का जवाब मेरे लिए देना भी बहुत कठिन हो जाएगा जी। क्यों?
कि यहाँ की जो विषमताएं हैं, जो लोग तड़फे हैं, जो आज भी तड़फ रहे हैं, किसी भी नेता ने जाकर के उनसे ये नहीं पूछा कि तेरी हकीकत की दिक्कत क्या है जी। कुछ लोग तो स्वाभिमानी ऐसे हैं कि अपने स्वाभिमान की वजह से वो किसी से कुछ मांगने के लिए बाहर नहीं निकल पाए और वो भूखे रहने के लिए मजबूर अपने घर में बैठे रहे। और दूसरा, राशन का जो आवंटन सरकारों से जो हुआ, जो स्कूलों में विद्यालयों में जो बनाया जो खान रेडीमेड आता था, उस पर तो बहुत बड़ी धांधली हुई है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। दूसरा, अभी आपने सवाल किया कि इन नेताओं ने इस लॉकडाउन में क्या किया, इन नेताओं ने कुछ नहीं किया है। ये नेता इस लॉकडाउन के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हनीमून मनाने के लिए बाहर गए हुए हैं। यहाँ तो बहुत मुश्किल से एक आध दिन के लिए आते हैं कि कोरोना नहीं रहेगा तभी तो हम आगे हमारी पॉलिटिक्स हो पाएगी, इनको जनमानस से कोई मतलब नहीं जी। एक सवाल और करूँगा बरसाती मौसम को लेकर, कोरोना वायरस तो एक काल बना हुआ है हमारे देश पे, साथ साथ बरसाती मौसम भी चालू हो गया। मैं मिंदापुर वार्ड की अभी हमने कॉलोनी का सर्वे किया था, जगह जगह पानी भरा पड़ा है, क्या इसको लेकर आपने आवाज़ उठाई? हाँ, अभी ये आपका बिंदापुर सनी बाजार रोड से जो आपके शमशान भूमि के रोड गया है जी। ये चुनाव से कुछ रोज पहले तोड़ दिया गया था, एक सड़क नहीं बनेगी जी, जबकि सड़क बिल्कुल ठीक थी जी, ऐसा कोई इसमें विषमता सड़क में नहीं थी। क्यों तोड़ दी गई पता नहीं, लेकिन अब क्यों नहीं बन पा रही इसका भी नहीं मालूम पड़ पा रहा जी। हमने विधायक जी को भी इसको अवगत कराया है और अभी हमें पता पड़ा है कि निगम के कोटे में आता है, तो निगम पार्षद जी का तो एक गांव पड़ता है, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर ही हमारे निगम पार्षद जी का घर भी है। उन्होंने सड़क ये क्यों तोड़वाई, क्यों नहीं बन पा रहे हैं पता नहीं, लेकिन जब बरसात होती है वहाँ से लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। तो क्या लगता है कब तक इस समस्या का हल निकल जाएगा, चूँकि बरसाती मौसम है, काफ़ी बच्चे बाहर भी निकलते हैं और इनके साथ साथ जो काफ़ी बीमारियाँ, इसके अलावा भी अन्य बीमारियाँ हैं, कोरोना के अलावा डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, ये बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। जितेश जी, अभी सड़क के मैं थोड़ा सा बात बतानी आपको और याद दिला देता हूँ आपको मैं। प्रताप गार्डन में 2016 में DSIDC के द्वारा लगभग 28 छोटी बड़ी 28 सड़कों का निर्माण का उसको टेंडर हुआ था जी। 2016 में आज कितना 2021 का समापन होने जा रहा जी, 20 का 2020 का समापन होने जा रहा जी। यहाँ पे दो सड़कें चुनाव से लगभग 15-20 रोज पहले रातों रात उल्टी सीधी बना दी गई और 26 सड़कें कागजों में साथ पूरी हो गई और उसके बाद कोई निर्माण नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि काम तो हुआ है जी, पर वो जमीनी स्तर पे नहीं है, सिर्फ कागजों पे है, कागजों पे कार्य हुआ है। चलिए सर, एक सवाल और करूँगा, जिस तरह मैं आपकी विचारधारा को देख रहा हूँ, काफ़ी विचारधारा आपकी RSS से मिलती है जी, तो मैं आम आदमी पार्टी और BJP को लेकर बात करूँगा, किस तरह की विचारधारा आपको लगती है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रव्यापी संगठन है और ये 72 देशों में कार्य करता है जी। और RSS की जो विचारधारा है कुछ अलग तरीके की विचारधारा है, वो सर्वधर्म संभाव की विचारधारा को लेकर चलता है और आज की जो राजनीति है वो कहीं हमारे विचारों से परे है जी। और हम तो कोशिश यही करते हैं कि जो हमने आज तक सीखा है, जो हमें आज तक सीखने को मिला है, उसी सीख के साथ हम अपने विचारों को आपके सामने रखते रहें और इन जो नेता हैं, जो संबंधित अधिकारी, उनको अवगत कराते रहें, इन समस्याओं को दूर करें जी। जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लिए काम किया, कोरोना वायरस का जो काल था उसको कम करने के लिए, जितने वो केस थे उनको कम करने के लिए पूरा एक जो विचारधारा बनाई उस पर काम किया, तो किस तरह देखते हैं, सहमत हैं? जितेश जी, मैं सहमत इस बात से नहीं, हकीकत देखने में कुछ और है, क्योंकि 15 अगस्त अब आने वाला है। इस 15 अगस्त को सिर्फ इनको अपना रिकॉर्ड दिखाने के लिए, अब इसमें टारगेट को TV बैठ करके जो इनका प्रचार चल रहा उसको सिर्फ कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की स्थिति अभी अच्छी नहीं है, दिल्ली की स्थिति खराब है। किस तरीके से कह सकते हैं कि 15 अगस्त के मौके पर इन्होंने ये सब एक प्लान किया है कि केस कम हो गए? प्लान किया हुआ सिर्फ यही दिखाने के लिए जनता को, दरअसल क्या जो टेस्टिंग है जी, जो इनका टेस्टिंग करने का तरीका है वो अभी भी जो बड़े स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। बिंदापुर वार्ड में कोई टेस्टिंग हुई? वार्ड में अभी हमें पता पड़ा कि टेस्टिंग यहाँ पे एक है, यहाँ पे आपका MCD के अंदर हॉस्पिटल आता है, वहाँ पे बताया था जांच करने के लिए, 4 बार तो मैं हो आया हूँ। तो टेस्ट हुआ आपका? कुछ भी नहीं हुआ। तो जमीनी स्तर पर काम उस पर भी नहीं? जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं है जी। चलिए, जाते जाते अपने बिंदापुर वार्ड के क्षेत्रवासियों के लिए, अपने वार्ड के निगम पार्षद के लिए, अपने विधानसभा के विधायक के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो कि जो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं, ये हमारे संघ के परिदृश्य से आते व्यक्ति, ठीक है पार्टी से उन्होंने दूसरे से टिकट लिया, एक ऐसी कोई कहानी बन गई होगी, लेकिन उनको मैं आज भी ऐसा मानता हूँ कि उस आदमी के अंदर काम करने की इच्छा शक्ति है, लेकिन यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो उनके यहाँ पर प्रतिनिधि छोड़े हुए हैं वो अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, वही इस क्षेत्र का सर्वनाश किए हुए हैं। दूसरा, निगम पार्षद जी के बारे में आपने कहा, निगम पार्षद जी
धन बल के ऊपर यहाँ पे निगम पार्षद बन कर आए, उनके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो यहाँ पे लोगों की भावनाओं को समझ सकें, गरीब कमजोर आदमी को अपने गले से लगा के चल सकें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए। तो ये थे यशपाल सिंह तोमर, समाज सेवी है बिंदापुर वार्ड के। इनका कहना है कि नेता तो बने पर नेता के साथ साथ विकास कार्य भी करे, जनता को विकास कार्य दिखने चाहिए। आप उस तरह नेता बने जो नेता काम करते हैं, सिर्फ दिखावे का नेता ना करें। अपने क्षेत्र विधायक और निगम पार्षद के लिए बात बोली है कि गरीब जनता का साथ दें, इस कोरोना काल में उनकी बात सुने और उनकी जितनी ज़्यादा हो सके मदद करें। इस विषय में फिलहाल इतना ही, फिर तो आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक लेते हैं, नमस्कार।